हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम मुस्कान सिंह एंड आई होप आप सब एकदम बढ़िया और मजे में होंगे. तो आज है एक नया दिन और आज का नया दिन हम स्टार्ट करेंगे एक नए व्लॉग के साथ. एंड यहाँ मेरे फेस पे आज एक न्यू गिफ्ट है जो कि मस्किटो ने दिया है. सो यहाँ मस्किटो बाइट हो गया है तो ये थोड़ा रेड हो गया है. एंड आई जस्ट विश शाम तक ये सही हो जाए. एंड ये रहा मेरा प्यारा सा बाहर का लुक जो कि अब आप लोगों को देख देख के ना आदत हो गया होगी. आपको भी ना ये जगह एकदम पता चल गया होगी कि हाँ, मेरे हर वीडियो में एक बाहर का लुक जरूर आता है. आई डोंट नो व्हाई बट मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ रोज दिखाऊं. ओके गाइस, तो जो मेरी फ्रेंड है वो भी आ गई है अपनी ट्रेनिंग से. बेसिकली उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है. सो अभी जस्ट वो आई है तो अभी मैं उसके रूम में जा रही हूँ. सो लेट्स गो. दिस इज द लिफ्ट एरिया एंड ये हमारा पूरा गैलरी है. सो यहाँ पे बाकी के भी फ्लैट्स ऐसे ही हैं जैसे मेरा फ्लैट्स है. सो ये पूरा अपार्टमेंट का एरिया है हमारा. और आज खाने में है ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी, उसके साथ मिर्ची का अचार. एंड मैंने ब्रेड सेक लिया बिकॉज मेरा चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. हाय गाइस, आई एम बैक अगेन एंड राइट नाउ आई एम इन माय रूम. सो बेसिकली खाना मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ ही खाया था. एंड कुकिंग, जब से मेरा क्वारंटीन ख़त्म हुआ है तो कुकिंग हम साथ में ही कर रहे हैं. एक साथ ही हम खाना लंच सब कुछ बना लेते हैं. सो अभी वो आ गई थी अपनी ट्रेनिंग से तो हमने खाना खा लिया साथ में. एंड द थिंग इज़ दैट इट्स नॉट एट ऑल ईजी टू स्टे अलोन एंड स्टे लाइक डूइंग थिंग्स अलोन. जब आप खाना भी खाते हो ना अकेले तो यू फील वेरी बैड. And another thing is that कि वो भी जब से आई थी यहाँ पे she was also crying because she was missing her parents. And same मेरा भी यही हाल था. So अभी हम लोगों का क्या है कि मतलब जब से मेरा quarantine ख़त्म हुआ है, we are cooking together, we are having our meals together. So it feels good, like it feels like at least we have someone to talk. So जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए कोई होता है and we don't feel alone. वो अभी मैंने उसको बोला कि तू rest कर ले because वो सुबह से गई थी training पे. And training एक बार start हो गई ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, आपको सोने का भी टाइम नहीं मिलता. मैंने उसे जस्ट बोला दैट यू टेक रेस्ट एंड थोड़ी देर बाद फिर हम लोग जिम जाएंगे साथ में ही. एंड देन आज हमारा थोड़ा बाहर जाने का भी प्लान है. सो लेट्स सी, प्लान तो बहुत सारे हैं बट अगर वो मतलब कैसा होता है क्या होता है आज आपको चलते चलते ही पता चल जाएगा व्लॉग में आगे. हाय गाइस, सो अभी मैं थोड़ा सा मम्मी से बात कर रही थी एंड मम्मी से बात करने के बाद लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है. फिर मम्मी मुझे बता रही थी शीरो की हरकतें कि वो क्या क्या कर रहा था. सो वो भी बस अब नॉर्मल हो गया है, खेलने में बिजी है. वो कब तक वेट करेगा यार मेरा भी, उसको भी वो रोज़ वेट कर रहा होगा. अरे यार कब आएगी, अभी आई नहीं मैं. चलो कोई नहीं. एंड देन मम्मी ने मुझे बताया कि आज जन्माष्टमी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड आज मम्मी का फास्ट भी था तो वही सब बता रही थी मम्मी. एंड मैंने मम्मी से बोला मुझे शीरो की वीडियो भेजना बिकॉज वीडियो कॉल नहीं हो पा रही है मेरी काफ़ी टाइम से. एंड लिटरली सबको ना इतना देखने का मुझे मन हो रहा है. फिर मम्मी ने कहा मैं शीरो की वीडियो भेजूंगी, तू लगा देना सदा तेरे सब्सक्राइबर्स भी देख ले कि शीरो कैसा दिखता है. मैंने कहा ये अच्छा आइडिया है कि मतलब शीरो की मैं क्लिप ऐड कर दूंगी सो दैट आप भी देख पाओ कि हाँ शीरो की क्या हरकतें चल रही हैं आजकल. गाइस, सो अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड हम जा रहे हैं मीना बाज़ार. एंड ये मेरी दुबई में पहली ऑफिशियल आउटिंग होगी. सो बेसिकली इन दुबई ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो वी गॉट टू नो दैट मीना बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिलती हैं एंड ग्रॉसरीज भी ख़त्म हो गई थी मेरी, तो वाई नॉट लेट जस्ट गो देयर एंड सी क्या सस्ता मिलता है क्या नहीं.
तो गाइस फाइनली वी हैव एंटर्ड इन मीना बाजार एंड यहाँ आके मुझे पूरी इंडिया वाली फीलिंग आ रही है. इट्स लाइक कि मैं इंडिया में हूँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट शॉप. यहाँ पे वेजीज और फ्रूट्स मिल रहे हैं. सो यहाँ से अभी यही परचेज़ किया है मैंने. एंड यहाँ पे सब कुछ बार्गेनिंग एंड काफ़ी अच्छे रेट पे था. इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री सामान भी दिया एंड मैंने यहाँ सामान ले लिया है. घर चल के दिखाऊंगी मैंने क्या परचेज़ किया है. गाइज नाउ दिस इज़ द सेकेंड प्लेस विच इज़ बॉन्टन. एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे रेट पे मिल रहे थे. मतलब गाइज तो यहाँ से मेन चीज़ मुझे मिल गई है जो मेरे पास नहीं था. तरबूज दो पीछे एक मेरे पास है. अब सबके तरबूज ना भाई, 13 मेरे पास. ये सारा सामान ले आई हूँ मैं. अब बस जाके इसको रूम में फेंकूंगी. तो थोड़ी देर बात करती हूँ मम्मी से. आज बहुत शॉपिंग की है. अब बस थक गई मैं सारा सामान लाते लाते आज. जस्ट वेटिंग फॉर द लेफ्ट बिकॉज मुझे इसको नीचे अब छोड़ना है वापस. इसको वापस नीचे छोड़ के आना है. लेफ्ट अभी तक आई नहीं. हाय गाइस. सो आज का डे बहुत ही टायरिंग था. सो बेसिकली वी वेंट टू मीना बाजार एंड हमारा कल का प्लान बना था. सो इट्स अ प्लेस वेयर यू गेट स्टफ एट अ वेरी गुड प्राइस. सो आई हैव गॉट ऑल द बेसिक स्टफ फ्रॉम देयर विच आई डोंट हैव एट माय अपार्टमेंट. सो आई हैव गॉट ऑल द बेसिक स्टफ फ्रॉम देयर एट अ वेरी गुड एंड रीजनेबल प्राइस विच इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव एट माय प्लेस. सो बेसिकली जहाँ मैं रह रही हूँ दिस इज़ बुरदुबई. सो बुरदुबई में ईच एंड एवरी थिंग इज़ लाइक आप कहीं पर भी कुछ भी चले जाओ ना. एंड मेरा बहुत ही बेसिक स्टफ थे लाइक वाइपर एंड ऑल दिस थिंग्स. सो आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट. लाइक हियर वन वाइपर विल कॉस्ट यू अराउंड 500. सो हु विल स्पेंड 500 फॉर अ सिंगल वाइपर राइट. सो दैट्स वाई देर आईव गॉट द वाइपर एंड एवरी सिंगल थिंग विच इज़ एक्सपेंसिव आउट हियर. सो आईव गॉट ऑल दी स्टफ एंड ऑल्सो I've just loaded my fridge because अभी एक बार ट्रेनिंग शुरू होगी ना. सो लिटरली बहुत ज़्यादा हैक्टिक स्केड्यूल होगा. मे बी खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा. सो दैट्स वाई फॉर अ सेफर साइड आई हैव लोडेड माई फ्रिज एज वेल. सो यहाँ आज यही सब था. एंड यू कैन सी मी आई एम सो टायर्ड. एंड ऑल्सो आफ्टर कमिंग बैक टू होम आई वॉज जस्ट सिटिंग डाउन स्टेयर्स एंड टॉकिंग टू माई मॉम. एंड आफ्टर दैट टॉक आई हैव मेड सम न्यू फ्रेंड्स ओवर हियर. सो आई एम हैप्पी. And yeah, slowly I'm getting comfortable here. Like it's not like that I'm not missing mom and Shiro. I'm missing them a lot, but now the things are getting normal for me. It's like I'm getting habitual of it. So yeah, and today when I went to Meena Bazaar, it feels like that I'm in India. Literally yaar, wahan ka pura ambience wagaira na sab aisa tha. Hindi songs baj rahe the, log hindi mein baat kar rahe the, to it feels like ki main India mein na kisi kone mein aa gayi hu. Bahut acha laga mujhe. Hi guys, welcome back and good morning. And पीछे जो मेरा रूम है आप देख सकते हो एकदम कबाड़ हो रखा है. सो बेसिकली अभी पूरा रूम मैं फिर से सेट करूंगी. कल जो मैं बाहर से आई ना उसके बाद पूरा सब कुछ इधर उधर बस मैंने फेंक दिया. एंड क्या लेकर आई हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ. उससे पहले नीचे सारे सामान आ रहे हैं बिकॉज न्यू ज्वाइनर्स आने वाले हैं हमारे बिल्डिंग में. फिर से और लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ये उनके लिए सारा सामान आ रहा है जैसे मेरे लिए आया था. मैंने आपको जो रूम में दिखाया तो सेम सब चीज़ें उनके लिए भी आ रही हैं. मैंने आपको बताया था कल मैंने फ्रिज लोड किया है तो कल मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई. एंड देन आई हैव गॉट मिल्क अगेन एंड देन जैम एंड देन सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें. तो मैंने इन शॉर्ट अभी अपना फ्रिज ना एकदम अच्छे से लोड कर लिया है सो दैट मुझे आराम से मेरा एक महीना निकल जाए. नॉट एक महीना नहीं बट एटलीस्ट काफ़ी अच्छा टाइम निकल जाएगा इन सब चीज़ों में ही. मेरे पास ऑलमोस्ट मतलब काइंड ऑफ खाने का पूरा बैकअप है अभी. एंड गाइस पता है यहाँ रह के ना मुझे लग नहीं रहा है कि मैं दुबई में रह रही हूँ. ऑल दो यहाँ से बुर्ज खलीफा एंड एवरी थिंग इज़ नियर बाय ओनली. एंड जहाँ मैं रह रही हूँ दैट इज़ अ मेन सिटी. हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है. हर मतलब छोटी छोटी एंड बड़ी से बड़ी चीज़ बुर्ज खलीफा है घूमने की सारी जगह सब कुछ यहाँ पर है. बट देन ऑल्सो इट फील्स लाइक आई एम इन इंडिया बिकॉज जहाँ मैं रह रही हूँ ना मैं अगर वहाँ से बाहर निकलूँ तो मोस्टली मुझे यहाँ इंडियंस दिखते हैं. एंड इसीलिए मुझे ऐसा फील होता है कि शायद से ना मैं इंडिया में ही हूँ. ऐसा मुझे बाहर वाली फीलिंग आई नहीं रही है कि मैं बाहर आई हूँ. इट लाइक फील्स लाइक एवरी थिंग इज़ नॉर्मल हियर. तो मे बी शायद से अभी थोड़ा बाहर निकलूँ तब थोड़ा ऐसा लगे. बट हाँ अच्छा है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ.
Okay guys, so I'll just end this vlog here and I hope you guys have liked this video. If yes, then do like and share this vlog. And agar aap mere channel par naye ho, make sure aap mere channel ko subscribe kar do. Agar aapko meri video achhi lagi hai to kar dena. Nahi bhi achhi lagi to it's okay. Koi baat nahi. Wo bhi accept kar lungi main. But thank you so much to everyone जो आप मुझे इतने lovely प्यारे 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 comments भेजते हो. बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ. Especially मेरी mom भी उसे पढ़ती हैं, तो जो भी आप अच्छा लिखते हो तो मेरी mom को भी अच्छा लगता है. And yeah, thank you so much for your support guys. It really means a lot. And चलो अभी ना मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एक दो informative video बनाऊँ, because और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं. सो मे बी आपको वो मतलब ब्लॉग के थ्रू नहीं, बट वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगी. तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल.